हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस एम्फिबिया। पिछले लेक्चर में आप लोग डिस्कस किए थे एम्फिबिया के बारे में। आई होप एम्फिबिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ने से मुझे पहले एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फिबिया। एम्फिबिया का एग्जाम्पल आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। लेट्स स्टार्ट। रेप्टिलिया देखिए काफी आसान है। आप देख रहे हैं कि इसकी ओरिजिन वो जो ये ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है रीपर। रीपर का मतलब होता है क्रीपर, क्रॉल एंड क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल। मतलब कि इस क्लास के जो ये एनिमल्स आएंगे वो क्या होंगे? क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या होता है? धीरे धीरे, है ना। एंड क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास के जो भी एनिमल्स आएंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे? रेंगने वाले होंगे। धीरे धीरे क्या आएंगे? रेंगने वाले होंगे। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या करते हैं इसकी हैबिटेट? हम लोग जान चुके हैं कि हैबिटेट का मतलब वो जगह होता है जो स्पीशीज का वहां क्या करता है? लाई करता है। देखिए स्पीशीज दो तरह का हुआ, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हुआ। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? वैसे स्पीशीज जो लैंड पे लाई करते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। क्या? वैसे स्पीशीज जो कहां लाई करते हैं? जमीन पे, लैंड पे रहना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। फिर दूसरा है सम आर एक्वाटिक। जैसे आप एक्वाटिक का मतलब होता है वैसा एनिमल जो कहां लाई करते हो? वाटर के अंदर। और वाटर में हो सकता है आपका फ्रेश वाटर हो, मराइन वाटर हो, या कोस्टल वाटर हो, या ब्रैकिश वाटर हो। ओके, इसका गुड एग्जाम्पल क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐसा एक रेप्टिलिया जो कहां रहेगा? एक्वाटिक के अंदर रहेगा। ओके, अब आई शेप एंड साइज। देखिए इसकी शेप एंड साइज क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसका आप नहीं कह सकते कि साइज 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। जिसकी शेप एंड साइज क्या हो? प्रॉपर वेरी करता हो, बदलता हो, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्या होगा? अगर बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड में, ट्रंक में और टेल में। जबकि एम्फिबिया में क्या था? एम्फिबिया में नेक नहीं था, आपको याद है? जबकि एम्फिबिया में आपको पढ़ाया था, उसको बताया था कि एम्फिबिया आर नेवर प्रेजेंट इन नेक। लेकिन एक एग्जांपल था क्या? सालामंडर। सालामंडर के अंदर आप देख रहे थे कि ये एम्फिबिया है लेकिन इसके पास नेक था। ये एनसीटी का कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सालामंडर में नेक होता है, हालांकि ये बिलोंग्स करता है एम्फिबिया का, ध्यान रखना है। इसका पोजीशन क्या है? हेड में है, ट्रंक में है और टेल में है। माउथ कहाँ है? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब था उसकी माउथ आगे की पोजीशन हो, है ना, टॉप पोजीशन पे। क्या मतलब? टॉप पोजीशन पे, यानी कि इसकी जो माउथ होगी वो कहाँ होगी? टॉप पोजीशन पे होगा, उसको बोलेंगे टर्मिनल। ओके, ट्रंक की बात कीजिएगा तो प्रेजेंट होगा। ओके, मोटरी की बात करेंगे तो थ्रू पेंटाडक्टाइल लिम्स, दैट इज लिम्स विद फाइब्रिड होगा। देखिए सीरीज याद रखिए, जैसा ही लिम्स कहते हैं आपको मालूम चला था हार्ट पे। जैसे मैं कहता हूँ हिंड लिम्स तो आपको हाथ नहीं देखना है बल्कि फुट को देखना है। मैं कहूँ फोर लिम तो आपको फुट नहीं बल्कि हैंड को देखना है। तो कितना रहेगा उसमें? फाइब्रिड रहेगा। इसे अपन लोग इंसान में क्या है? फाइव डक्टाइल है, अपन लोग फाइव फिंगर है, तो इसमें हम उगा लेंगे फाइब्रिड है। फिर देखिए कलर तीन 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 तरह का हुआ, होमोडोंट, पॉलीफाइडोंट, एकोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है सिमिलर टीथ। क्या होता है? सिमिलर टीथ को बोलते हैं होमोडोंट बोलते हैं। क्लियर है? पॉलीफाइडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं पॉलीफाइडोंट बोलते हैं। एक आता है एकोडोंट, तो टीथ आर एम्बेडेड इन बोन बट नॉट बी जॉ। ध्यान दीजिए, टीथ आर एम्बेडेड इन बोन। जब टीथ जो होता है बोन के अंदर धंसा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे एक्रोडोंट। जबकि आप पढ़ेंगे एक आता है टर्म थ्रिकोडोंट। क्या आता है? थ्रिकोडोंट। तो थ्रिकोडोंट का मतलब होता है टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ। जॉ के अंदर अगर टीथ घुसा रहेगा तो उसको बोलेंगे थ्रिकोडोंट, लेकिन एक बोन के अंदर टीथ घुसा रहेगा उसको बोलेंगे एक्रोडोंट। तो ये हाथ का नोट डाउन कीजिए, काफी आसान है। तब हम लोग देखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे, डिस्ट्रक्शन कैसे शुरू करेगा, कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। ओके, एंड लिजार्ड सेव देयर स्केल्स एंड स्किन विकास। आप देखिए कितने तरह का स्नेक्स हो चाहे लिजार्ड हो, स्केल्स का मतलब होता है उसकी बाहरी पोर्शन जो लेयर है उसको बोलते हैं क्या? स्केल्स, है ना। नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं उसका क्या है? कपड़ा टाइप का बना हुआ, उसको बोलते हैं स्केल्स। ओके, अब इसमें डिस्ट्रक्शन किसके थ्रू होगा? कहता है कि लंग्स थ्रू होगा। अब लंग्स को बोलते हैं क्या? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखिए इसे नागा इसको बोलते हैं हम लोग कोबरा। क्रोकोडाइल्स इसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल्स। फिर आप देखेंगे तो टेस्टुडो इसको बोलते हैं टर्टोइस। फिर देखेंगे सिलो जो कि आपका टर्टल हुआ। तो ये सब ऐसे स्पीसीज है, ऐसे रेप्टाइल्स है जिसमें जो होता है लंग्स के थ्रू क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा।
ओके। अब ध्यान दीजिए, एक्सक्रीशन इसमें थ्रू किडनी के थ्रू होगा। अब आपको पता है कि किडनी को क्या बोलते थे हम लोग, नेफ्रो, क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रो बोलते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा, यूरिक एसिड निकालेगा। अब जो यूरिक एसिड निकालता है उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। एक अच्छा सा प्यारा सा टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया निकालता है अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकालता है यूरियोटेलिक। ये सब लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ईयर की बात की जाएगा तो ईयर तो होगा, प्रेजेंट होगा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय टेम्पेनम, मतलब टेम्पेनम का मतलब उसको कवरिंग किए हुए रहेगा, जिसको बोलते हैं टेम्पेनम बोलते हैं। ठीक है, कहता आई, आग की आप बात की ना तो एक पेयर होगा, साथ में क्या लगा, आई लीड्स पलक भी होगा इसमें। मतलब कि देख रहे हैं कि किस तरह का क्या इवोल्यूशन आ रहा है। फिर लिखा होगा कोई टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड। आपको पता है हम अपन लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड के लिए भी हम टर्म देंगे पॉयकिलोथर्म्स, क्या बोलते हैं, पॉयकिलोथर्म्स बोलते हैं। का मतलब क्या होता है, वैसे एनिमल जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के अनुसार अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, है ना। अपन लोग क्या है, पहाड़ पे भी जाए तो वो टेम्परेचर क्या है, 96 डिग्री फारेनहाइट रहेगा, तो समुद्र के अंदर चल जाए फिक्स रहेगा, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। जबकि रेप्टिलिया हमारा क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जो कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, पॉयकिलोथर्म्स बोलते हैं। क्लियर है। फिर हार्ट की बात कीजिएगा तो थ्री चैम्बर हार्ट रहेगा। थ्री चैम्बर कैसे रहेगा, टू ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। क्या रहेगा, टू ओरिकल्स रहेगा और वन क्या रहेगा, वेंट्रिकल्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड चैम्बर हो गया। एक्सेप्ट इसको छोड़ करके क्रोकोडाइल इसके अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर, बर्ड्स के अंदर फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है। तो फोर्थ कैसा होगा, टू ओरिकल्स होगा एंड टू वेंट्रिकल्स होगा। टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स आर लाइंग ऑन द क्रोकोडाइल्स के अंदर, और ह्यूमन से डिस्कस बींग्स के अंदर और आपका बर्ड्स के अंदर। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की बात किया तो क्लोज टाइप होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हार्ट इसमें जो पंप करेगा, जो ब्लड का सप्लाई कैपिलरी के थ्रू, आरटरी के थ्रू, छोटे छोटे कैपिलरी के थ्रू हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप का बोल देते हैं। अब देखिए, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस हो चाहे बोर्ड में हो, वो पूछता है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया। देखिए कुछ एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है रेप्टिलिया के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आपको रिमेम्बर रहनी चाहिए, चाहे वो नीट के एग्जांपल हो, चाहे बोर्ड का एग्जांपल हो, चाहे आपका स्कूलिंग का टेस्ट हो। तो एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया। कहता चिलोन, चिलोन का मतलब टर्टल। देखिए आप देख रहे हैं कि तो दो नाम है, एक नाम आपका हो गया क्या कॉमन नेम हो गया, एक आपका क्या हो गया जूलॉजिकल नेम हो गया, इसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सिलोन जिसको बोलते हैं टर्टल, टेस्टिडो जिसको टर्टवाइल बोलते हैं, कैमिलियोन जिसको बोलते हैं ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैमिलियोन क्या बोलते हैं, ट्री लिजार्ड भी बोलते हैं। तो कैलोस जिसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर जिसको आप एलिगेटर ही बोलते हैं, हेमिडाइक्लस जिसको हम बोलते हैं वॉल लिजार्ड। अब देखिए कुछ इसमें क्या होता है, खतरनाक पॉइजनस होता है, जहरीली होती है, इसे आप देखिए नाजा जिसको आप कोबरा बोलते हैं, बैंकारा जिसको आप करेट बोलते हैं, है ना, वाइपेरा जिसको आप वाइपर बोलते हैं। तो देखिए आपको नीट एग्जामिनेशन में हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें किस तरह पूछेगा, बोलेगा ट्री लिजार्ड वॉल लिजार्ड गुड एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया एप्स मैमिलिया एप्स, तो आप किसमें मार पाएंगे, आपको पता है कि ट्री लिजार्ड हो चाहे वॉल लिजार्ड हो, ऑल आर बिलोंग्स टू रेप्टिलिया। दोनों आपको याद रखना है, चाहे वो टर्टल हो, चाहे टर्टोइज हो, चाहे ट्री लिजार्ड हो, चाहे गार्डन लिजार्ड हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे एलिगेटर हो, चाहे वॉल लिजार्ड हो, आपको दोनों याद रखना है। फिर पॉइंट होगा चाहे कोबरा हो, चाहे करेट हो, चाहे वाइपर हो। तो आई होप आपको रेप्टिलिया समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से लगातार बने रहिए और हम बात डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, जो लेक्चर रहेगा हमारा एफ पे रहेगा, और फिलहाल तो मैमिलिया खत्म कर देंगे हम लोग। तो ओके, थैंक्स, लगे रहिए।